बार फिर टेक्सिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ मीना सिंह आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हो कि शो में हम काफी सारे ट्यूटोरियल ऑलरेडी सीख चुके हैं और आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके फीडबैक आते हैं क्योंकि इससे पता लगता है कि एक तो ये कि आप हमारा शो पसंद कर रहे हैं और दूसरा ये कि कुछ हमारा जो मकसद है वो कहीं हद तक पूरा हो रहा है। तो इस चीज़ की एक थोड़ी सी वो खुशी हो जाती है ना कि जब हम कोई काम करते हैं और उसको लोग सुन रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो लगता है चलो यार ये सार्थक हो गया, हम इस काम, हमारा ये काम सफल हो गया, तो थोड़ा सा खुशी हो जरूर होती है। और आपके ट्यूटोरियल भी हमें लगातार मिल रहे हैं तो इस चीज़ की भी बहुत खुशी है कि अब आज ये टाइम आ गया कि आप खुद अपने आप से कोई ऐप को एक्सप्लोर कर हम तक उसका ट्यूटोरियल बनाकर पहुंचाते हो, तो इस चीज़ की वाकई में बहुत खुशी होती है। तो आज के शो के लिए भी कुछ ट्यूटोरियल मुझे मिले हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए क्योंकि आप ही के लिए ये ट्यूटोरियल बनाए गए हैं। तो आज आपको जैसे कि पता होगा कि बहुत सारे आजकल फाइल मैनेजर आते हैं जहाँ पर हम अपने डेटा सेव करके रख सकते हैं। हम इस वक्त बात कर रहे हैं मोबाइल की, एंड्रॉयड मोबाइल की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर हम सेंसपेस में अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं, ड्रॉपबॉक्स में हमारा डेटा सेव कर सकते हैं, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ऐसे बहुत सारे सर्वर हैं जहाँ पर हम अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेंसपेस की कि कैसे हम सेंसपेस पे अपना कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कैसे हम सेंसपेस से कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और सुनते हैं कि कैसे हम एंड्रॉयड मोबाइल पे सेंसपेस यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तमाम ही साथियों को फराज बोल रहा हूँ और एक नए पॉडकास्ट के साथ आज मैं हाजिर हूँ कि सेंडस्पेस से हम कैसे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताऊंगा। आप सबसे पहले सेंडस्पेस की एप्लीकेशन किसी मोबाइल में होती है बिल्टन, लेकिन अगर नहीं है तो इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद साइन इन कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए, अपना अकाउंट इस पर बना लीजिए। मैंने चूंकि ये सब कुछ कर रखा है तो इसलिए हम डायरेक्ट सेंडस्पेस खोलते हैं। सेंडस्पेस, ये देखें हमने सेंडस्पेस ओपन कर लिया है। तो उसके बाद हमारे पास देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। सेंडस्पेस 3.2 अपलोड बटन, अपलोड, डाउनलोड बटन, डाउनलोड, माय फाइल्स बटन, माय फाइल्स, माय अकाउंट बटन, माय अकाउंट, प्रेफरेंसेस बटन, प्रेफरेंसेस, बस। अब हमें फाइल अपलोड करनी है तो हम अपलोड पे जाएंगे। अब हमें अपलोड करनी कहाँ से? फाइल आइकॉन, फाइल, अपलोड फाइल फ्रॉम फोन स्लैश एसडी कार्ड। ये देखें ये आ गया है फोन स्लैश एसडी कार्ड, इसको अगर आप करेंगे तो आपका ये एसडी कार्ड में चला जाएगा। फाइल आइकॉन, मल्टी फाइल अपलोड, अपलोड मल्टीपल फाइल्स साइमल्टेनियसली। ये अब मल्टीपल फाइल्स है अपलोडिंग का, ये मैंने कभी किया नहीं है तो कभी बताएंगे आपको फिर किसी पॉडकास्ट में। फाइल आइकॉन, मल्टी फाइल ज़िप अपलोड, फाइल आइकॉन, कैप्चर इमेज, फाइल आइकॉन, कैप्चर वीडियो, फाइल आइकॉन, कैप्चर ऑडियो, फाइल आइकॉन, External file chooser, use an external file chooser। अच्छा, अब इसने बताया कि कैप्चर ऑडियो, कैप्चर इमेज, कैप्चर वीडियो, यानी कि आप वीडियो, ऑडियो, इमेज आप खींच के अपलोड करना चाहें या फिर गैलरी से करना चाहें, वो दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं उसमें। अब ये जो है एक्सटर्नल फाइल चूजर, इसको फिर देख लेते हैं। फाइल आइकॉन, कैप्चर ऑडियो, फाइल आइकॉन, External file chooser, use an external file chooser। ठीक है, इस पे आप फोन मेमोरी की अपलोडिंग करेंगे, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ, मैं बता दूँ मैं मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी J7 2016 यूज कर रहा हूँ, मार्शमेलो वर्जन 6.01 के साथ, यानी 6.01 के साथ यूज कर रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो अब हम अपलोडिंग करते हैं। हम मिसाल के तौर पर मैं आपको
इसी को ले लेता हूँ, एक्सटर्नल फाइल चूजर को, तो इस पे डबल टैप करते हैं हम। Vocalizer underscore Arabic lit Arabic 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 Job SM dentex.youtube.downloader underscore v5.1.1. अच्छा देखें, ये मैंने चूंकि आप जाएंगे एक्सटर्नल फाइल यूजर में तो वहां वो फिर पूछेगा डाउनलोड ऑडियो वीडियो सारा कुछ जो है वो वहां आएगा। ये आपको मैं दिखाता हूं, लेकिन पहले हम अपलोडिंग सीख लें। कोई भी फाइल आपने सिलेक्ट कर ली उसको सिलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद ये साइज बताया है इसने, ये देखिए अपलोड बटन आ गया है। वो एक नॉट चेक जो चेक बॉक्स आया था कि भई आप इसका लिंक थ्रू ईमेल भी शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने उसे नॉट चेक ही रहने दिया कि मैं नहीं करना चाहता। ये देखिए अपलोड बटन आ गया है, इस पर डबल टैप कर देंगे। ये देखें, ये अपलोड बटन पे हमने डबल टैप कर दिया तो वो ये देखें, ये इसने बताया फाइल का नाम, 25% हमारी अपलोडिंग हो चुकी है। आगे फिर ये आपको ये भी बताएगा स्पीड कितनी आ रही है, कितना मिनट बाकी रह गए हैं और कितनी स्पीड से डाउनलोडिंग हो रही है, तो ये सब कुछ आपको बताएगा। ये जरूरी नहीं है इतना, यही सबसे ज्यादा जरूरी है फौरन आप इसमें आ जाएं और ये देखें परसेंटेज देखते हैं कितनी हुई। ये देखें 78% की अपलोडिंग हो गई। मैं इसको अपलोड होने देता हूँ। अच्छा बताएं आपको और ये कि अपलोड होने के बाद आपको दो तरीके हैं सेंड करने के। एक तो अपलोड होने के बाद ही ये शेयर लिंक का ऑप्शन दे देगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, देखते हैं कितना परसेंट। 100% ये 100% हो गई है, लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि अभी अपलोड पूरी नहीं हुई। जब ये अपलोड पूरी होगी तो सेंड स्पेस का एक नया मेन्यू खुलेगा। Upload, edit box, share button. अच्छा ये देखें, अब उसने कहा डाउनलोड लिंक, एडिट बॉक्स में वो लिंक आ गया, ये शेयर बटन आ गया है। यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं, दिखा देता हूँ। शेयर बटन पे डबल टैप करेंगे, अदर को चूज करेंगे, अदर एंड लिस्ट, ये हमारे सारे अब व्हाट्सएप वाले आ गए और सारा कुछ आ गया। WhatsApp. इस पे चले जाते हैं। हम इसे चीज चूज कर लेते हैं, तो इसके बाद हम सेंड करते हैं जैसे करते हैं कोई भी चीज। ये देखें, ये एडिट बॉक्स में लिंक आ गया। दोबारा से सेंड बटन पे करेंगे, ये देखें, ये देखें, ये तो हो गया एक तरीका सेंड करने का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये तो पहली मर्तबा में आपने सेंड कर दिया, अगर आपने सब कुछ बंद कर दिया तो फिर ये है कि ये सब कुछ बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें दोबारा शेयर करना है तो फिर हम क्या करेंगे, ये मैंने बिल्कुल मैं बाहर आ गया, देखिए। अब मैं सेंड स्पेस को ओपन करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अपलोड आए थे, सारे ऑप्शंस आए थे हमारे पास, इनमें से हमने माय फाइल्स चूज करना है जो कि आया है, ये देखें, ये माय फाइल्स, इसको चूज कर लेंगे। फाइल आइकॉन अकाउंट फाइल्स, इसको चूज करेंगे। इसके बाद फाइल आइकॉन अकाउंट फाइल्स, फाइल्स ऑन योर अकाउंट, ये देखें,
ये इसको हमने चूज कर लिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद ये जितनी भी फाइलें आपने सेंड स्पेस पे अपलोड की हुई हैं, वो सारी की सारी आ जाएंगी। ये देखें, ये देखें, अब इसने बता दिया कि ये फाइल ये है और इसको अभी तक किसी ने भी डाउनलोड नहीं किया। जितने लोग डाउनलोड करेंगे वो ये बताएगा कि इतने लोगों ने डाउनलोड किया है इसको। तो अब हम मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई और फाइल आपको दिखाऊं, हाँ ये देखें, ये देखें, इसने बताया कि 13 लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड किया अब तक। अब हम इसको शेयर करना सीख लेते हैं। डबल टैप, उसके बाद देखते हैं डाउनलोड, रीनेम, मूव, ईमेल वाया सेंड स्पेस, शेयर, व्यू इन्फो, डिलीट फाइल, कैंसिल, या आप फिर अपने हिसाब से इस पे ले सकते हैं व्यू इन्फो, शेयर। तो चलो पहले डिलीट सीख लेते हैं। ये देखें, इसने मुझसे पूछा यस करेंगे, डिलीट हो जाएगी, लेकिन मैंने चूंकि आपको बताना है इसलिए मैं अभी इसको नो कर देता हूँ। ये देखें शेयर में, ये आगे सारे ये लिंक कॉपी भी कर सकते हैं आप यहाँ से, जिसको भी शेयर करना चाहें। फिर तो इस तरह से आप जाएंगे किसी की भी बंदे की चैट में और किसी को भी ये शेयर कर सकते हैं। तो अब हम इस फाइल को डाउनलोड करना सीख लेते हैं। जी, तो इसमें मैंने ये लिंक शेयर किया था। खोल लेते हैं इसको, सेंड स्पेस से ही ओपन कर लेते हैं। इसने वैसे पूछा था ओपन विद क्रोम से भी कर सकते हैं, सेंड स्पेस से कर लेते हैं अभी हम। अच्छा देखें, सेंड स्पेस पे अपलोड करने के बाद ये पूछ रहा है पासवर्ड, आप डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ से सेट करें। हम इसको चेंज करते हैं, डाउनलोड में लाते हैं। ये parent directory, it's the double tab, file icon, android, file icon, backup, file icon, job, file icon, data, file icon, dci, file icon, download, file icon, vocalizer unders. ठीक है, ये डाउनलोड में आ गया। अब हम चाहते हैं ये जो सेट कर देंगे आप, वहां पर आपकी फिर ये डाउनलोडिंग होगी। ये देखें, इसने बताया भी है, सिलेक्ट बटन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, अब डाउनलोड बटन पे, ये देखें डाउनलोड, इस पर डबल टैप कर दिया हमने। तो अब फाइल ऑलरेडी, अच्छा अब वो चूंकि उसमें ऑलरेडी डाउनलोडर मौजूद था
तो इसने फिर हमें मैसेज दे दिया है रीनेम ओवरराइड कैंसिल चलो ओवरराइड कर लेते हैं डाउनलोड तो हमने करनी ही है ये देखें डाउनलोडिंग शुरू हो गई 4% 10% ये देखें 10% इस तरह से आप सेंड स्पेस के थ्रू डाउनलोडिंग कर सकते हैं 24% ये देखें ये हो जाए तो फिर मैं आपको ये भी इसी ट्यूटोरियल में ही बता देता हूँ कि आप क्रोम से सेंड स्पेस से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये हो जाए डाउनलोड सेवेंटी थ्री हो गई परसेंट डाउनलोडिंग 94% 100% ये देखें डाउनलोडेड तो ये हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है देखिए कितना आसान होता है कभी कभी चीजें या एप्लीकेशंस यूज करना लेकिन वो ये होता है कि जब तक हमें नहीं पता हो तब तक ही थोड़ा सा मुश्किल आता है कि यार कैसे होता होगा थोड़ा ना सुनने में भी मुश्किल लगता है लेकिन जब हम यूज करने लग जाते हैं जब हम यूज टू हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है और अभी हमने सीखा कि सेंसपेस पे कैसे हम अपलोड करते हैं कैसे हम शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए हम बहुत बड़ी बड़ी फाइल नहीं भेज सकते ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्स टू मैक्स 100 MB तक की फाइल भी शेयर कर सकते हैं लेकिन हम सेंसपेस के जरिए करीब 1 GB तक की फाइल हम किसी के भी साथ में शेयर कर सकते हैं तो उसकी जो लिमिट होती है वो 1 GB की होती है फ्री अकाउंट की तो हम 1 GB तक ही एक दिन में डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं अगर इससे ज़्यादा हमें यूज़ आता है तो हम बिल्कुल इसका प्रो अकाउंट खरीद सकते हैं जो कि अलग अलग ऑफर्स में वहाँ पर अवेलेबल है जो मिनिमम स्टार्टिंग इसके जो प्राइस है सेंसपेस की वो है $9 की तो ये मुझे लगता नहीं है कि इसकी हमें प्रो वर्जन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि 1 GB तक हमारा काम हो जाता है एक दिन में इतना ही डेटा हमें जियो ही देता है खैर आजकल बहुत से प्लान आते हैं 2 GB 3 GB की तो वो तो इंटरनेट की बात हो गई लेकिन अगर हमें डेटा सेव करना है या शेयर करना है तो 1 GB तक के लिए सेंसपेस इज द बेस्ट ऑप्शन मोबाइल के जरिए भी हम देखिए कितने आसानी से कोई भी फाइल को शेयर कर पा रहे हैं चलिए एक और जो हमें प्रॉब्लम आती है वो ये कि अगर किसी ने हमें कोई फाइल शेयर की है चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या मेल पे हो कहीं पे भी हो और उसे हम कोई ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो वो कैसे करें तो चलिए वो भी हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने ड्राइव में एक पर्टिकुलर फाइल को सेव कर सकते हैं तो आज हम आपको क्रोम से अपनी ड्राइव में एडिंग सिखाएंगे जिस तरह आपके पास कोई लिंक आया ड्राइव का आप इसे अपनी ड्राइव में अपलोड करना चाहते हैं डाउनलोड किए बगैर और क्रोम से ड्राइव का लिंक डाउनलोड कैसे होगा ये दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ WhatsApp Everyday Calculate Forward Smart Voice 2.7.3.apk.drive.google.com ठीक है एक लिंक है हमारे पास इसको हम क्रोम के थ्रू ओपन कर लेते हैं Smart Voice 2.0 Preview Available ये देखें ये क्रोम के थ्रू ओपन हो गया है Download Android Download Button ये डाउनलोड बटन आ गया तो हम पहले इसको सेव करना सीख लेते हैं कि अब यहीं से अपनी ड्राइव में कैसे अपलोडिंग होगी Android Smart Download Collab Parent Home Site and Edit One Open Tap More Options Button ये देखें मोर ऑप्शन तलाश करके इस पे डबल टैप कर देंगे इसमें हम शेयर का ऑप्शन यूज करेंगे शेयर ढूंढ लें टर्न ऑन सेटिंग्स हेल्प सेंटर एट द फाइंड एंड शेयर वाया ड्राइव बटन अच्छा ये देखें ये शेयर वाया ड्राइव बटन एक ये है शेयर शेयर भी है इनमें से आप
कुछ भी चूज कर लें, पहले हम शेयर चूज करके देखते हैं, उसके बाद ये देखे मैंने ये स्पीक कर दिया, तो ये अब ये देखें सेव द ड्राइव, इस पे डबल टैप करेंगे तो वही अपलोडिंग जो है वो हमारी शुरू हो जाएगी। सेव बटन पे डबल टैप करने से ही मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इस पे मैंने डबल टैप कर दिया, ये देखें आप ड्रॉप डाउन फोल्डर माय ड्रॉप कैंसिल सेव बटन, ये सेव बटन पे हम डबल टैप कर देंगे तो ये अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। देख लेते हैं इसको, ये देखें मैंने सेव बटन पे डबल टैप किया तो मेरी अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। Do not disturb term voice call. Do not disturb one file. Let one file uploaded. 7:19 p.m. Smart voice 2.7.3.apk. Google Drive. There is a saying 454@gmail.com. One file uploaded. ये upload. Term one file uploaded. ये uploaded हो गई हमारे पास ये. अब इसको डाउनलोडिंग भी सीख लेते हैं। क्रोम में कोई भी ड्राइव का लिंक ओपन करने के बाद डाउनलोड बटन पर डबल टैप कर दिया, ओपन ड्राइव क्रोम, ये एक और ओपन विथ का मेन्यू आता है, इसको भी क्रोम के थ्रू ओपन कर लें। This type of file can harm your device. Do you want to keep Smart Voice 2.7.3.apk anyway? इस मैसेज को आपने ओके कर देना है। Close, cancel, okay button. ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, वो आपको बताएगा भी, लेकिन ये अभी इसने नहीं बताया, हम इसको नोटिफिकेशन से जाके चेक करते हैं। Do not disturb term. Smart Voice 2.7.3.apk 7:20 p.m. One file uploaded. Smart Voice 2.7.3.apk 7:20 p.m. WhatsApp IQM Talkback 7:20. तो ये है अपलोडिंग का तरीका। अब हम इसको देखते हैं कि वो जो शेयर वायर ड्राइव बटन था उसमें क्या होता है। मैसेज फ्रॉम रिकॉर्ड वाईफाई सिग्नल इज फुल, स्मार्ट वॉइस मेन नो डाउनलोड बटन नो 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 डाउन कंपेयर होम साइट एडिट पॉप वन नो मोर ऑप्शन शेयर वायर ड्राइव पे करने से क्या होता है, मैंने किया है। अकाउंट ड्रॉप डाउन लिस्ट वेयर इज फोल्डर माय कैंसिल सेव बटन, ये देखें वो हमें डायरेक्ट ड्राइव पे ले गया, हमने फिर उसने पूछा नहीं कि आप किस पे शेयर करना चाहते हैं, डायरेक्ट वो हमें ड्राइव पे ले गया है। तो अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो ये अपलोडिंग हमारी शुरू हो जाएगी, तो इसको मैं नहीं करता क्योंकि मैंने ये पहले ही कर रखा है। कैंसिल कर दिया, तो देखते हैं। Do not disturb. Smart voice 2.7.3.apk 7:20 p.m. ये देखें ये डाउनलोड हो गया होगा, ये उसमें जब हो जाएगा तो ये बताएगा भी डाउनलोड कंप्लीट। तो मैंने इसको चूंकि पहले से ही अपने पास रखा हुआ है, तो ये था ड्राइव पे डायरेक्ट लिंक से शेयर करने का और अपलोड करने का तरीका, और क्रोम से ड्राइव का लिंक कैसे डाउनलोड करें। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये डाउनलोड हो जाए तो आपको दिखा दूँ कि ये डाउनलोड हुआ है। WhatsApp
Let her off, but let smart one smart voice 2.7.3.apk 7:23 p.m. Download complete. ये देखें, ये चूंकि हमने वो लगाया हुआ तो मैंने कर लिया डाउनलोड दिखाने के लिए, डाउनलोड कंप्लीट। इसमें परसेंटेज नहीं बताता ये, इसमें नहीं बताया कुछ भी, तो ये डाउनलोड कंप्लीट का मैसेज जब आया तो आप समझ जाए डाउनलोड, और ये आपकी डिवाइस स्टोरेज में डाउनलोड के फोल्डर में सारा कुछ सारी चीजें होंगी। ये तो हमने सीखा कि कोई लिंक जब हमें मिलता है तो उसे हम बिना डाउनलोड किए कैसे डायरेक्ट अपने ड्राइव में सेव कर सकते हैं, हालांकि वो वहां पर भी एक तरीके से डाउनलोड ही होगा, लेकिन ये है कि वो पर्टिकुलर एक ड्राइव में होगा जहां पर हम चाहते हैं, चाहे वो ड्रॉपबॉक्स हो, चाहे वो गूगल ड्राइव हो, चाहे वो सेंसेस हो, प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है, बस हमें उन्हें पाथ देने होते हैं। तो जब एक बार हम उसे लोकेशन दे देते हैं कि उसे कहां जाकर सेव होना है, तो वो उसी ड्राइव में जाकर सेव होगा। चलिए अब हम सीखते हैं कि गूगल ड्राइव पे कैसे हम कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं और कैसे हम वहां से शेयर कर सकते हैं। आज हम ड्राइव पे अपलोड करना और लिंक शेयर करना सीखेंगे, तो चलते हैं। मैं माय फाइल के बजाय ES फाइल एक्सप्लोरर यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप किसी भी फाइल मैनेजर में जाएंगे, उस फाइल पे जाएंगे जिसको आपने अपलोड करना है। तो हम जाते हैं Download and grid. Eloquences. Movies. Music. Parallel underscore recordings. Vocalizerex. Parallel. Music. Eloquence. Download. ये देखिए ये सारे आ गए। अब हम इसमें से ही चलें कोई ले लेते हैं। Vocalizer. Faraz 1.mp3. ये Faraz 1.mp3. Arabic Layla, Arabic Smart Voice 2, Arabic Vocalizer, Vocalize Button, Unlabeled, Out of Print. ये इसमें इतनी ही फाइलें हैं, तो हम आपको अपलोड करके दिखाते हैं। इसी को अपलोड कर लेते हैं। ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये मैं अपने ES फाइल एक्सप्लोरर से आपको बता रहा हूँ, वैसे आप माय फाइल्स में से भी इसको कर सकते हैं। सिलेक्ट करके शेयर करना है इसको। ये देखें शेयर कर दिया है। अब देखते हैं हमारे पास ये messages, save the drive. ये देखें सेव द ड्राइव आ गया है। इस पे डबल टैप करते हैं। ये हमने डबल टैप कर दिया। Account, drop down list, where folder, my cancel save button. ये देखें, ये अगर हम इस पे सेव बटन करेंगे तो ये अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। वो बता रहा था कि अकाउंट आपका ये वाला है और फिर फोल्डर आपने बनाया नहीं है कोई। मैंने अभी तक कोई फोल्डर नहीं बनाया ड्राइव में, तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ये देखें सेव बटन आ गया है। सेव बटन, इस पे सेव कर लेते हैं। ये मैंने इस पे डबल टैप कर दिया। आप करेंगे तो वो आपको बताएगा भी वन फाइल हैज बीन अपलोडेड अपलोडिंग। तो अब हम इसको नोटिफिकेशन से जाके चेक करते हैं। बैटरी लो, योर डिवाइस वॉइस कॉल सिम बैक क्लोज बटन व्हाट्सएप अपलोडिंग वन फाइल 4:02 p.m. 768.0 kb. ये देखें अभी ये अपलोडिंग वन फाइल, और इसने बताया हमें कि इतने kb की अपलोड हो चुकी है आपकी। तो अब मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अपलोडिंग वन फाइल 4:02 p.m. 2.0 mb. ये देखें ये अब इसने कहा अपलोडिंग 2 mb की हो गई। पहले इसने हमें 760 कुछ kb बताया था, तो ये अपलोड हो रही है। WhatsApp, ये देखें one file uploaded. अच्छा अब ये 03 p.m. Faraz 1.mp3
therishusain454@gmail.com 2.0 MB. ये देखें, ये जब अपलोड हो जाएगी तो ये सारी डिटेल बताएगा कि आपने ये वाली फाइल अपलोड की है, इतने MB की है और इस अकाउंट पे अपलोड आपने की है। अब हम इसका यहीं से ही लिंक शेयर कर सकते हैं। देखें आगे शेयर लिंक का ऑप्शन आता है। चल खैर, ये शेयर का ऑप्शन भी आता है। मेरे पास नोटिफिकेशन शायद ज़्यादा हैं तो मैंने क्लियर नहीं किए थे तो इसलिए शायद वो ना आ रहा हो ऑप्शन। अब हम चलते हैं ड्राइव में। Apps, search, D, R, out, drive, fold, drive. ये मैं ड्राइव ओपन कर ली मैंने अपनी। आप एप्स में जाके ड्राइव ओपन कर लेंगे। अब ये देखें, यहाँ मेरी फाइल आई हुई है। वो ये देखें, ये असल में वो मैंने चूंकि फोल्डर बनाया हुआ नहीं है तो जितनी मैंने इस पे अपलोड की हुई है वो सारी आ गई। और ये देखें हमारी अपलोड हुई हुई फाइल ये आ गई है यहाँ। अब हम इसको शेयर करते हैं। ये देखें, इसने बताया है कि भाई ये इतने बजे अपलोड हुई है, मॉडिफाइड हो गई है। तो ये अब इसके एक बार स्वाइप करते हैं। More actions button. ये मोर एक्शन जो बटन है इस पे डबल टैप करते हैं। इस पे हमने डबल टैप किया। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। File, ये देखें, इसने फाइल का नाम बताया फराज वन। Show item properties, इसकी आप प्रॉपर्टी जान सकते हैं। Add people and list. Add people. Share link. ये देखें, ये share link आ गया है। Available offline. Open with. Open with. Send a copy. Send a copy. Download. Download. Move. Move. Star. Off switch. Star. Add the home screen. Add the home screen. Rename. Rename. Remove. Remove. तो send a copy of available at the share link. अभी मैंने जो है वो ये आप लोगों को शेयर करके दिखाना है तो इसलिए मैं शेयर लिंक पे डबल टैप करता हूँ। ये मैंने शेयर लिंक पे डबल टैप कर दिया। अब हम शेयर व्हाट्सएप क्रिकेट व्हाट्सएप WhatsApp. ये देखें, ये WhatsApp आ गया। अब हमने इसमें से जिसको भी भेजनी है तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताता हूँ, ये देखें हम इसको भेज देते हैं। तो इसको हम search. Send button. ये देखें, सेंड बटन। ये send button. उसमें आ जाएगा एडिट बॉक्स में, फिर वो बताएगा आपको सब कुछ। ये रिकॉर्डिंग में असल में ये नहीं बता रहा, पता नहीं क्या इसकी दिक्कत आई हुई आजकल। अब इसको हम 11:28 PM. ये देखें, ये आप drive.google.com forward button इसको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से आपको सिखाऊं कि डाउनलोडिंग कैसे होती है। Forward button, HTT. इसको हम tap for up, L for option. और मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये देखें, अब ये मैंने अपनी ही एक फनी सी फाइल अपलोड की थी आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे ही ये प्ले हो जाए वैसे ही आपने डाउनलोडिंग कैसे करनी है, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं उसके बाद आप मोर ऑप्शन में जाएं। मोर ऑप्शन में जाने के बाद आपको डाउनलोड मिलेगा।
वहाँ पर डबल टैप करके इसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारी डाउनलोडिंग हो रही है या नहीं। Battery low. There is 1.mp3 4:08 PM downloaded 2.1 MB। ये देखें, उसने बता दिया कि आपकी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से ड्राइव पर लिंक शेयर किया जाएगा और डाउनलोडिंग होगी। तो डाउनलोडिंग का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, और कोई सॉफ्टवेयर होगा उसे आप ड्राइव से खोलते हैं तो उसमें फिर ये कि आपको डाउनलोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पूरा आप डाउनलोड हो जाता है खुद ही। लेकिन कोई ऑडियो या कोई वीडियो है उसका मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही वो प्ले हो या तो उसको पॉज कर लें, आगे पॉज का बटन भी आएगा स्वाइप करते हुए देख लीजिएगा, और उसको फिर मोर ऑप्शन में जाके डाउनलोड चूज करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आज हम इस शो में गूगल ड्राइव या फिर कोई भी ड्राइव की ही बात कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे लिसनर्स के, जैसे कि उन्हें जिप फाइल अपलोड करने में या डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, और कुछ लिसनर्स हैं जिन्हें म्यूजिक फाइल को भी डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई म्यूजिक फाइल हमें कहीं से मिलती है और हम उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम उस लिंक पे एंटर करेंगे वो फाइल प्ले होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे में डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए हम वो भी एक छोटे से ट्यूटोरियल के जरिए सीख लेते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट सबका प्रोसेस सेम ही है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उस डिफरेंट के कारण ही हम उस फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, चलिए सीखते हैं आप और हम उस ट्यूटोरियल को कि कैसे हम एक गूगल ड्राइव से म्यूजिक फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और जिप फाइल को डाउनलोड करने का प्रोसेस भी हम सीखते हैं। आप सभी का वेलकम करता हूँ, अनिल बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए ड्राइव के कुछ जो लिंक्स होते हैं, अब जैसे खासकर जो म्यूजिक फाइल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर ड्राइव का ही यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट वगैरह भेजते हैं, तो कई लोगों की ये उलझन है कि भाई ड्राइव के थ्रू वो जब खोलते हैं तो डायरेक्ट प्ले होता है, तो वो उसे डाउनलोड कैसे करेंगे। तो इसका तरीका हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हमने करना है। तो सबसे पहले पहले हम करके देखते हैं कि क्या हमने करना है। सबसे पहले हमें जाना है ड्राइव की इन्फो में। तो ड्राइव की इन्फो में जाने के दो तरीके हैं, या तो आप सेटिंग स्लैश एप्लीकेशन स्लैश ड्राइव ऐसे जाएं, या फिर अगर आपकी रिसेंट ऐप में ड्राइव है तो वहां से जाएं। तो मैं सेटिंग से ही चले जाता हूं अभी। ऐप्स में जाऊंगा। अब यहां पे मैं ड्राइव में जाऊंगा, क्योंकि सभी मेल एप्लीकेशंस की लिस्ट आ गई है। अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए चल रहा है, तो मैं एक बारी इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये देखिए, ये ड्राइव है, डबल टैप कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। ओपन बाय डिफॉल्ट, सम डिफॉल्ट सेट, इसमें हमने जाना है, ठीक है, डबल टैप कर लेते हैं। ये जो ओपन सपोर्टेड लिंक है इसको आस्क एवरी टाइम में आपने रखना है, ठीक है, मैं एक बार डबल टैप करके दिखाता हूँ आपको। या तो ये पहले बाय डिफॉल्ट ओपन इन दिस ऐप रहता है तो वो चेक रहेगा, मैंने इसको चेक ना करके आस्क एवरी टाइम में चेक कर रखा है, ठीक है, इसको इतना ही करना है, ठीक है, इतना ही करना है इसको। तो हम अब आगे एक ड्राइव का लिंक खोल के देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं खोल के, खुलता कि नहीं खुलता। डबल टैप करता हूँ,
देखिए अब ये मेरे पास ऑप्शन आ गया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे आस्क लिखा हुआ है कि आस्क वाला चेक लगाया था, तो ऑप्शन आ गया है। तो मैं इसको अब ड्राइव से ना खोल के इसको क्रोम में खोलूँगा, क्रोम। अब ये क्रोम में खुल गया है। हो गया है। अब हमने इसमें डाउनलोड बटन होगा उसको ढूंढना है। ये रहा डाउनलोड बटन, राइट टैप करके मुझे मिल गया है। डबल टैप करूंगा इसमें, फिर से मेरे पास ऑप्शन आ गया है, तो मैं इसे फिर से दोबारा से क्रोम में ही खोलूंगा। ओपन विद क्रोम है तो उसको जस्ट वंस कर देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कई बार इसको ऑलवेज में रखता नहीं हूँ, बहुत काम करने पड़ते हैं, तो जस्ट वंस में ही कर दे, डबल टैप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियसली ओपन विद क्रोम चुना था, तो अभी यहाँ पे ओपन विद क्रोम ही है, तो इसको मैं जस्ट वंस में कर लेता हूँ, राइट टैप करूँगा, ठीक है। अब ये मेरी फाइल डाउनलोड, देखिए डाउनलोडिंग उसने बोल दिया है, तो अब इसको मैं बेशक से बैक पूरा आ जाता हूँ, और अब मैं नोटिफिकेशन में चेक करता हूँ एक बारी। देखिए ये डाउनलोडिंग चल रही है, अभी कैंसिल आ रहा है, यानी कि अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कैंसिल हटके कंप्लीटेड बोलेगा वो, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, तो और ये फिर आपको जाके मिलेगी, आपको ये जाके मिलेगी आपके डाउनलोड फोल्डर में, जो इंटरनल स्टोरेज का जो डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर मिलेगी। तो अब ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है करीबन 4-5 मिनट बाद। तो अभी देखिए मैं नोटिफिकेशन में वहाँ से हटा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ठीक है, डाउनलोड कंप्लीट। अब हम पूरा बैक आके देख लेते हैं एक बारी, फाइल मैनेजर में जाते हैं। इंटरनल स्टोरेज के अंदर मिलेगा ये, ये डाउनलोड है, इसमें डबल टैप करते हैं। देखिए ये फाइल हो गई है, यहाँ पे आ गई है, इसको हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, तो आप लोग इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। तो साथियों अब जिप फाइल को कैसे डाउनलोड करना है इसके मुद्दे पे आते हैं। सेटिंग भी वही रहेगी ड्राइव की जो मैंने पहले बताई थी। तो मैंने दो छोटी छोटी फाइलें जो कल रिंगटोन बनाई थी उसी की एक दो फाइलें नाम चेंज करके, तो दो तीन फाइलों को इकट्ठा करके जिप फॉर्मेट बना के, तो अब मैं आ गया हूँ, क्योंकि फिर मौका लगता नहीं है बाद में। तो अब देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम उस लिंक पे जाएंगे जहाँ पे वो जिप फोल्डर है हमारे पास, उसका जहाँ पे लिंक है, व्हाट्सएप आ गया है ऑलरेडी फोकस में है, तो मुझे टटोलने की ज़रूरत नहीं है, डबल टैप कर दूंगा स्क्रीन में कहीं भी। तो अब चलते हैं जहाँ पे वो लिंक है। एडिट बॉक्स बोल रहा है, लेफ्ट साइड कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये म्यूजिक डॉट जिप ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, इस पर डबल टैप करते हैं सीधे ही। अब आपको अभी याद होगा, अभी देखो ऑप्शन आ गया मेरे पास, ओपन विथ क्रोम का आ गया है। हमने इसे खोलना तो क्रोम में ही है, इसे भी और जो हमारी म्यूजिक फाइल थी पहले उसे भी। तो अभी आपको ध्यान होगा कि मैंने पीछे जो दोनों टास्क किए थे वो क्रोम में किए थे, तो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन विथ क्रोम आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो लेटेस्ट तुम करोगे वो ओपन विथ के साथ आता है, तो ये ऑलरेडी ओपन विथ क्रोम है, तो मैं इसमें जस्ट वंस कर देता हूँ। अब ये खुल रहा है पेज,
95%. Loading music.lib. Loading status. Loading 100%. Displaying music.lib. 100% हो चुका है, तो अभी डाउनलोड बटन ढूंढते हैं। वैसे ही राइट स्वाइप करेंगे एक बार। ये रहा डाउनलोड बटन, डबल टैप कर देंगे, फिर से ओपन विद क्रोम आ गया, क्योंकि अभी हमने इसको करना ही, हमने ऊपर क्रोम में है, तो इसमें जस्ट वंस कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ओपन विद क्रोम है। नहीं होगा तो हम उसे क्रोम में सेलेक्ट करके तब करेंगे उसको, ठीक है। वो मेरे पास एक ऑलरेडी ये फाइल पर डाउनलोड थी, तो रिप्लेस कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये बॉटम ऑफ द स्क्रीन में, यानी कि जो व्हाट्सएप का एडिट बॉक्स होता है उसके नज़दीक में मैसेज पॉपअप आता है, खासकर जो कि भाई दिस टाइप ऑफ फाइल कैम हान योर डिवाइस, या फिर कोई नोटिफिकेशन के लिए कि भाई तुमको पुशअप बुलेटिन चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारे नीचे ही आते हैं। या आपको ये पेज हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वो सारे यहीं पे आते हैं नीचे की तरफ। तो क्रिएट न्यू फाइल कर देते हैं, देखिए डाउनलोडिंग बोल दिया था उसने, नोटिफिकेशन में चेक कर लेते हैं। डाउनलोड कंप्लीट भी हो गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको 1 MB से भी कम की फाइलें थी दो, तो ये इस तरीके से होगा। अब इसको एक बार हम देख लेते हैं। डाउनलोड में जाते हैं इंटरनल स्टोरेज के अंदर, देखिए ये music1.zip, क्योंकि जो पहली थी वो म्यूजिक थी जो कि मैंने पीछे अभी करी थी, तो ये music1.zip के नाम से आ गई है, ये music.zip, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको खोलना कैसे, मैं फाइल कमांडर यूज़ करता हूँ, तो जस्ट डबल टैप कर दूंगा इसके ऊपर, खुल गया है। ये फोल्डर है, अनजिप है, इसके अंदर डबल टैप करते हैं, ये पहली फाइल आ गई है, फोकस में ऑलरेडी, तो मेरे को सिर्फ डबल टैप करना है स्क्रीन में कहीं भी, देखिए प्ले हो जाएगी। अभी ओपन विद VLC का आ गया है, जस्ट वंस कर देते हैं, देखिए। तो ये इस तरीके से काम होगा इसमें। तो मैंने अभी आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि कैसे म्यूज़िक की फ़ाइल और कैसे हम जो है ड्राइव के थ्रू जिप फाइल को क्रोम के थ्रू हम खोलेंगे। अभी तक हमने बात की सेंसपेस की, गूगल ड्राइव की या नॉर्मल ड्राइव की जो हमारे मोबाइल में होता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ड्राइव नहीं है, ऐसे में अगर आपको कोई एप्लीकेशन या APK फाइल किसी को शेयर करनी है तो कैसे करेंगे? चलिए सीखते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप से APK फाइल सेंड करने के लिए अब तक आप गूगल ड्राइव, सेंडस्पेस या फिर ड्रॉपबॉक्स का सहारा ले रहे थे, लेकिन अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि व्हाट्सएप ने दे दिया है एक शानदार फीचर। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने दोस्त को अपने व्हाट्सएप से उनके व्हाट्सएप तक डायरेक्ट APK फाइल सेंड कर सकते हैं। जैसे आप इमेज फाइल सेंड करते हैं, वीडियो फाइल सेंड करते हैं, ऑडियो फाइल करते हैं, वैसे ही APK फाइल भी आप सेंड कर पाएंगे। थोड़ा तरीका अलग है सेंड करने का, तो मैं आज वही बताने वाला हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं आ गया हूँ एक चैट में मेरे व्हाट्सएप के अंदर, ब्लाइंड टेक हिंदी नाम है चैट का। तो मैं अटैच बटन पे क्लिक करूंगा, ओके, अटैच बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है। वहाँ आपको एक पहला ही ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट्स, तो उस पर आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे। स्वाइप करते आपको आगे जाना है, ब्राउज अदर डॉक्स में आपको क्लिक करना होगा, ओके। तो यहाँ से आपको
यहाँ से आपको अपना इंटरनल स्टोरेज या एसडी कार्ड सिलेक्ट करना है जहाँ आपकी एपीके फाइल पड़ी है। तो मेरी एपीके फाइल एसडी कार्ड में पड़ी है तो मैं एसडी कार्ड सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। यहाँ से मैं फोल्डर सिलेक्ट कर लूंगा, एपीके टूल करके फोल्डर है मेरा, तो मेरा फोल्डर भी ओपन हो गया है। यहाँ से मैं कोई भी एक एड कार्ड एड्रॉइड एपीके टूल करके एक एप्लीकेशन है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेंड करने के लिए। तो मैंने सिंपली इसके ऊपर डबल टैप कर लिया है। सेंड बटन पे आपको सिंपली डबल टैप कर देना होगा। सेंड हो रहा है। सक्सेसफुली हमारा जो एपीके फाइल था वो सेंड हो चुका है और ये फाइल आपको सेंड होके मिलेगा अपने फाइल ब्राउजर में, मतलब माई फाइल में, व्हाट्सएप के फोल्डर के अंदर मीडिया नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर होगा, यहाँ आपको वो आपका जो एपीके फाइल होगा वो मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का शो। आज हमने काफी सारे ड्राइव्स के बारे में बात की, कैसे हम फाइल शेयर कर सकते हैं, कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हमने सीखा, सबने अपना अपना मेथड बताया फाइल शेयर करने का, फाइल डाउनलोड करने का। और मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि ये क्या डेली यूजेस की चीजें हैं, अक्सर हमें इन सब चीजों के इस्तेमाल करना ही पड़ता है, और ये इतना आसानी से अगर हमें समझ आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। कि मेरे साथ भी होता है अक्सर, जब कभी बैठा है यार मिनल दी ये फाइल मुझे व्हाट्सअप कर दो, मिनल दी यार ये फाइल मुझे सेंसपेस का लिंक भेज दो, तो इसे क्योंकि बहुत बार मुझे लोग फरमाइशें करते हैं तो ऐसा करना भी पड़ता है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और हालांकि सच पूछो तो एंड्रॉयड में मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे आप सबका सहारा लेना पड़ता है। तो अभी भी कहती हूँ कि अगर आप कोई भी ट्यूटोरियल बना के हमें शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। हमारी आईडी है mail@radioudaan.com या फिर आप meenal@radioudaan.com पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है meenal@radioudaan.com पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudaan.com वहां पर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं, या फिर जब हमारा ये शो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा तो वहां पर भी आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से आपका रिप्लाई जरूर आएगा, तो आपके आंसर्स का, आपके कमेंट्स का और आपकी डांट का हमें वेट रहेगा, और आपको भी वेट रहेगा हमारे शो का, मुझे पता है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।